हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको जरोदा के अंदर आईपीओ को बाय करना है, कैसे आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस जो भी एप्लीकेशन आपने दी उसका चेक करना है, आपको वो रिलीज हुए हैं या नहीं हुए, आपका जो रिफंड है अगर बाय चांस आपको एप्लीकेशन की आपको मतलब आईपीओ इशू नहीं होता तो वो रिफंड किस टाइम तक आएगा, कंप्लीट मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप एक्स जरोदा की यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू नॉलेज बुक, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आप स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे अपने वॉच लिस्ट ऑर्डर पोर्टफोलियो टूल्स और ये अपना जो ये लास्ट वाला सेक्शन है, तो आपके पास ये कंसोल में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक आईपीओ का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आईपीओ पे तो आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको क्रोम ब्राउजर में लेके चला जाएगा। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आईपीओ लिखा होगा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके नीचे क्या होगा, आईपीओ विंडो। आईपीओ विंडो में क्या होगा, जो ये फर्स्ट वाला आपको मिलेगा आईपीओ ओपन, जहाँ पे ये बिड लिखी होगी वो मतलब क्या ओपन आईपीओ है, अभी तक आप इसमें बिड डाल सकते हैं, आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला में क्या है, देखो अपकमिंग, जो आगे आने वाला आईपीओ है वो आपको अपकमिंग लिखा मिलेगा। उससे आप नीचे थर्ड पे जाओगे तो आपको स्टेटस मिलेगा क्लोज्ड, मतलब कि ये क्लोज हो चुका है, इसमें आप बिड नहीं लगा सकते। आप बिड किस में लगा सकते हैं, मतलब आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, आईपीओ को बाय कर सकते हैं उसमें जो भी करंट में ओपन है, यहाँ पे बिड लिखा हुआ है, या फिर अपकमिंग में, अपकमिंग का मतलब जिस डेट को ये ओपन होगा आप वहाँ पे बिड डाल सकते हैं। अभी करंट में आप बिड किस में डाल सकते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला RIL इंफ्रा का ही जो आईपीओ ओपन है, यहाँ पे उस आईपीओ का नाम लिखा हुआ, जिस भी कंपनी का आईपीओ होगा, बिड का मतलब आप इसमें बोली लगा सकते हैं, अपना आईपीओ स्टेटस एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 1000 इसकी क्वांटिटी होंगी, स्टार्ट कब हुआ ये, 20/5/2022, 20 तारीख को स्टार्ट हुआ था मई को, एंड कब होगा, 2/6/2022, 2 जून को ये ऑफर एंड हो जाएगा। इसका प्राइस कितना होगा, 135, 135 रुपये इसका प्राइस होगा। उसके बाद आप नीचे ये ऑप्शन देखेंगे स्टेटस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे स्टेटस पे तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑफर स्टार्ट का कि आपका जो ये आईपीओ है कब स्टार्ट हुआ था, 20/5/2022 को, ये ऑफर एंड कब हो जाएगा, 2 जून 2022 को, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन कि मतलब किस दिन आपको पता चलेगा कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, 7/6 को, 7 जून को आपको इसका पता चलेगा, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन फाइनल हो जाएगा। बाई चांस अगर आपको ये आईपीओ इशू नहीं होता, आपके अकाउंट में नहीं आता, आपकी जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो सबमिट नहीं होती, तो आपका जो रिफंड होगा वो 8 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा, एक दिन के बाद। डीमैट ट्रांसफ़र, जो आप ये डीमैट ट्रांसफ़र क्या होता है, जो आपने आईपीओ की एप्लीकेशन दी थी, आपको अलॉटमेंट अलॉट हो जाता है आईपीओ, तो आपके डीमैट अकाउंट में जो भी आपने स्टॉक दिए थे, जितनी क्वांटिटी आपने बाई करी थी, वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगी 9 तारीख को। लिस्टिंग किस दिन होगा, ये 10 तारीख को, 10 जून को, जब ये लिस्टिंग हो जाएगा 10 जून को, तो लिस्टिंग होने के बाद इसी स्टॉक का प्राइस आपके डीमैट अकाउंट में शो होगा, उसके बाद आप कभी भी इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद क्या ऑप्शन आता है, मैंडेट एंड, इसका क्या मतलब है, बाई चांस आपको अलॉटमेंट नहीं होती इस दिन को, तो आपका रिफंड आना था 8 तारीख को, किसी भी रीजन से, कई बार क्या होता है कि आपका रिफंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, तो लास्ट एंड फाइनल ये क्या होगा, 18 तारीख को आपका टोटल रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, लास्ट डेट होती है, इस तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, अलॉटमेंट होनी होगी तो वो भी आ जाएगी अकाउंट में, किसी रीजन से आपका रिफंड नहीं आता तो वो भी यहाँ पे 18 तारीख को आपका पास आ जाएगा। ये सब कुछ आपको पता चल चुका है, मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर चलते हैं आपको बाय कैसे करना है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आईपीओ है, आईपीओ विंडो में बिड में आप बोली लगा सकते हैं, अपकमिंग में आप आगे आने वाले टाइम में उसको बाय कर सकते हैं, जब बिड लिखा होगा आप करंट में अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक की क्वांटिटी होगी, यहाँ पे इस डेट को ये स्टार्ट हुआ है 20 तारीख को, ऑफर एंड इस डेट को होगा, इसका प्राइस 135 रुपीज़ है, ऑफर स्टार्ट वही कि किस दिन ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था, ऑफर एंड किस दिन ये समाप्त हो जाएगा, आपको दो स्टॉक आपको अलॉट होंगे वो किस दिन होंगे, 7 तारीख को। बाई चांस आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, आपको डीमेट अकाउंट में मतलब आपको आईपीओ नहीं मिलता, तो आपको जो पैसा वो रिफंड 8 तारीख को हो जाएगा, जो आपको स्टेटस अलॉटमेंट होगी किसी भी आईपीओ की, वो आपके डीमेट अकाउंट में 9 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक्स आ जाएंगे,
10 तारीख को वो लिस्टिंग हो जाएगा। लिस्टिंग होने के बाद कभी भी आप स्टॉक को बेच सकते हैं। और किसी भी रीजन से बाई चांस कभी आपका पैसा नहीं आता, ऑफ रह जाता है या भी कुछ कमी रह जाती है पैसे में, तो लास्ट डेट इसकी 18 तारीख को होगी। 18 को फुल एंड फाइनल मतलब का पूरा टोटल कंफर्म हो जाएगा। तो ये लास्ट में आपका 18 को आपका कंफर्म सब कुछ आया जाएगा। अब आपको बाय कैसे करना है, आपको बिड पे क्लिक करना है। जब आप बिड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्टॉक का नाम होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी 100 डिटेल में, योर यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी का मतलब आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप फोन पे से करेंगे तो वहाँ पे YBL यूपीआई आईडी होती लास्ट की। अगर आप भीम यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई होता है। जब आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी कैसे डाल सकते हैं, जो भी आपको मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पुट करना है। उसके बाद अगर आपको फ़ोन पे से पेमेंट करनी है तो आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे YBL यहाँ पे डालना होगा, YBL, तो आपका फ़ोन पे से पेमेंट हो जाएगी। अगर आप UPI डालेंगे यहाँ पे, देखो ये UPI है, इसको करेंगे तो आपकी पेमेंट होगी भीम UPI से। YBL सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट होगी फ़ोन पे से। आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी या यूजर नेम डाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टर टाइप, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है। अगर आपने कभी चेक करा होगा तो LIC का जो IPO था उसमें 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट था इंडिविजुअल, सेकंड था आपका पॉलिसी होल्डर, और थर्ड था आपका शेयर होल्डर ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी पर्सन। पॉलिसी होल्डर आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं जब आप LIC का IPO ओपन बाय करते हैं, तो आपको पॉलिसी होल्डर में अगर आप उसके ऑलरेडी कस्टमर होते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, आप कुछ मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं उस चीज़ के। और शेयर होल्डर में आप उस कंपनी में LIC कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक है, आपको यही रहने देना पड़ेगा। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है, मतलब कि आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, 2000, 3000, या फिर जितनी भी आप क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अब मेन फंक्शन क्या आता है, कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस का मतलब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये नीचे वाला ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, मतलब 135 पे, 135 पे आपकी बाइंग बनेगी। जब आप एप्लीकेशन देंगे बाई चांस आपको अलॉट हो जाता तो आपकी होगी 135 पे। कई बार आपने देखा होगा कि IPO का रेट एक होता है कि 130 to 150, ये दो प्राइस कौन से होते हैं, वो वही प्राइस होते हैं। बाई चांस आप चाहते हैं कि मैं कट ऑफ से ना बाय करके मैं अपनी मर्जी से 130 से 150 के बीच का रेट है तो मैं 140 पे बाय करूं। जब आप इसमें 140 डालेंगे तो जब ये आपकी एप्लीकेशन ऐसी होगी कि 140 तक आपको मिलने होंगे तो आपको 140 पे मिल जाएंगे। बट जब आप कट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्राइस होगा मैक्सिमम प्राइस, तो आपको वो कट ऑफ प्राइस में मिलेगा। यहाँ पे वो प्राइस डाल सकते हैं जिस प्राइस पे आप उस एप्लीकेशन IPO को बाय करना चाहते हैं। बट वहाँ पे एक आपकी डिसएडवांटेजेस ये हो जाएगी कि आपको वो एक मिलने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक स्पेशल प्राइस डाल दिया। उस रेट पे अगर आपको मिलेंगे, अवेलेबल होंगे तब ही मिलेंगे, बट कट ऑफ प्राइस पे मैक्सिमम प्राइस होता है, मैक्सिमम होगा मान लो 130 to 150 किसी IPO का प्राइस है, तो मैक्सिमम 150 तक आपको मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, देखो फर्स्ट कट ऑफ प्राइस, सेकंड कट ऑफ प्राइस, थर्ड कट ऑफ प्राइस। यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं, 130 से किसी 150 का इसका लोड का प्राइस है, यहाँ पे आप 135 डाल सकते हैं। सेकंड में आप क्या डाल सकते हैं, 140, थर्ड में 145। अगर इन 135 से 145 के बीच में जो भी आपको रेट मिलना होगा आपके अकाउंट में IPO, उसी में आपको बार अवेलेबल हो जाएगा। बट आप कट ऑफ प्राइस करेंगे तो आपका जो भी मैक्सिमम रेट होगा उस पर आपका ये IPO बाय हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपकी अमाउंट पेबल कितनी आएगी, देखो मैंने 1000 क्वांटिटी डाली थी, 135 का प्राइस था, तो ये आपकी आ चुकी है 1,35,000। ये था आपका, ये मतलब कि आप कैसे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सॉरी 13,50,000, क्योंकि मैं 1000 क्वांटिटी थी 135 पे। तो आप ऐसे मतलब इस IPO को बाय कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल विंडो समझ में आ चुकी होगी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपकी यूजर आईडी आ जाएगी, UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे से। उसके बाद इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल इन्वेस्टर आएगा, और इसका मेन देखो क्या है, यहाँ पे IPO विंडो ओपन फ्रॉम 10 AM to 4:30 PM, 10 बजे से लेके 4:30
तक आप इस आईपीओ को एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। इसके बीच में आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑनलाइन, आप यहाँ पे अपना जो बिड लगा सकते हैं, इसके बाद आप बिड नहीं लगा सकते, इससे पहले आप नहीं लगा सकते। उसके बाद क्वांटिटी आप कितने भी डाल सकते हैं, मान लो यहाँ 10,000 डाली हुई थी तभी उसका प्राइस 13,50,000 रुपये था, अगर आप यहाँ पे 1,000 करते तो आप ये 1,35,000 रुपीज़ इसका प्राइस आता। कट ऑफ प्राइस पे, मैक्सिमम प्राइस पे आपको बिड लगेगी, जो भी मैक्सिमम प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। इस प्राइस पे आप डालोगे, मान लो वहाँ पे 135-140 डालना चाहते हैं, तो जो अवेलेबल होगा उस प्राइस पे तो आपका वो आईपीओ बाय हो जाएगा। ऐसे ये तीन प्राइस होंगे, तीन प्राइस के बाद ये डिक्लेरेशन करने आपको करनी होगी और सबमिट कर देना है। अब थोड़ा सा बैक चलते उसी विंडो पे, यहाँ पे आईपीओ पे क्लिक करा था मैंने, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि आप 10 बजे से लेके 4:30 तक इस आईपीओ विंडो ओपन रहेगी, इसमें बीच में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। वही विंडो में आपको मैंने बेसिक बता दिया था कि बिड वाले ऑप्शन पे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अपकमिंग में जो आगे आएगा आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लोज हो चुके हैं इसमें आप अप्लाई नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी क्लोज हैं, ये पीछे के आईपीओ हैं। तो रिलायंस इंफ्रा का भी ओपन है, फेडल का भी अपकमिंग है। स्टार्ट किस डेट को हुआ था, 20/5 को, एंड कब होगा, 2 जून को। क्वांटिटी 1,000 आप मैक्सिमम ले सकते हैं। प्राइस कितने पे, 135 का प्राइस है। स्टेटस अभी एक्टिव है। ये था आईपीओ की एक नॉलेज। आपको कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।